कितनी अजीब बात है ना, हम अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ ये सोच के छोड़ देते हैं कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। नहीं समझे? मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी एक ऐसे मकड़ी की जो एक जाला बनाना चाहता था। मकड़ी यानी स्पाइडर। वो मकड़ा ये सोच रहा था कि मैं कहीं एक ऐसी जगह पर जाला बनाऊँ जहाँ पर मुझे खाने पीने की सुविधा हो और मैं चीज़ों को आसानी से खा सकूँ, मेरी ज़िंदगी भी जी सके और मैं आसानी से रह भी सकूँ। ऐसा सोच के उसने घर के एक कोने में एक जगह को सिलेक्ट किया और सोचा कि मैं यहीं पर अपना जाला बनाऊँगा और यहीं पर रहूँगा। वो जाला बनाने वाला ही था कि एक नीची बिल्ली बैठी उसे देख के हंस रही थी। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों हंस रही हो? बिल्ली बोली कि वो जगह तुम्हें दिखाई नहीं दी थी कितनी साफ सुथरी है? तुम वहाँ पे जाला बनाओगे तुम्हें वहाँ पे कोई जीव नहीं मिलेगा खाने को और आखिर में तुम भूखे ही मर जाओगे। ऐसा सोच मकड़ी वहाँ से चली गई। उसने फिर एक खिड़की जो विंडो उससे सेलेक्ट किया और सोचा कि मैं इस खिड़की के आसपास अपना जाला बनाऊंगी और यहीं रहूंगी। वो जाला बनाने वाला था कि फिर से एक चूहा जो नीचे खड़ा था उसे देख के हंसने लगा और बोला, भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ जाला बनाओगे, कुछ दिन बाद हवा तेज आएगी या फिर आंधी आएगी, तुम्हारा ये जाला उड़ जाएगा, तुम मर जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सोच के वो मकड़ी फिर वहाँ से चली गई और फिर सोची कि अब मैं क्या करूँ। ऐसा सोच के उसे एक पुरानी सी अलमारी दिखी जो शायद काफ़ी पुरानी थी। उसने सोचा कि मैं यहाँ पे अपना जाला बना लेती हूँ, यहाँ पे जाला बना लूँगी तो आसानी से मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आराम से खाने पीने की चीज़ें अंधेरे में मुझे मिल जाया करेंगी, ज़िंदगी सही से गुजर जाएगी। ऐसा सोच के उसने जाला बनाना शुरू कर ही दिया था। इस बार उसने सोच लिया था कि मैं ज़रूर बनाऊँगी। तब तक एक नीचे से शायद चींटी दिखाई दी। उसने बोला कि ये क्या कर रही हो तुम? ये अलमारी इतनी पुरानी हो चुकी है, कुछ दिन बाद इसे लोग बेच देंगे और बेचने के बाद फिर तुम्हारे बनाने में कोई फायदा नहीं रहेगा, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पे जाला बनाना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है। ये सोच के वो मकड़ी का फिर से इरादा बदल गया। वो थक हार गई, शाम हो चुकी थी, दिन भर दौड़ भाग के सोच सोच के पागल हो गई, लेकिन दिन के आखिरी तक उसने कोई भी घर नहीं बनाया और आखिर में थक के चुपचाप बैठ गई। उससे काफ़ी भूख लगी थी। फिर उसने देखा नीचे एक शायद काकरोच बैठा था, उसे देख के हंसे जा रहा था। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों हंस रहे हो? तो उसने उसका बात को का जवाब दिया। उसने बोला, मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम कभी यहाँ जाला बनाना चाहती हो कभी वहाँ, लेकिन तुमने कहीं नहीं बनाया क्योंकि तुम सिर्फ लोगों की बातें सुनी और बातें सुनते सुनते तुमने अपने काम पे ध्यान ही नहीं दिया। अगर तुम उनकी बातों को ना सुनती हो तो आज तुम्हारे पास घर होता, तुम आसानी से शाम को उसमें आराम करती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, सिर्फ लोगों की बात सुन के तुम अपने डिसीजन बदल लिया और डिसीजन बदलने की वजह से तुमने आप अपनी ज़िंदगी में अभी तक कोई घर नहीं बनाया। ये सुन के उससे अपनी गलती का पछतावा हो गया। क्या ऐसा नहीं होता? हमें ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होंगे, शायद आपके पास भी कुछ ऐसा काम होगा जो आपने करने की सोच रखी होगी। शायद वो काम करते हुए आपको शर्म आती हो या फिर आपको ये लगता हो कि लोग क्या कहेंगे या फिर लोग तो कुछ ना कुछ बोल ही देते होंगे। ऐसा सोच के फिर आप वो काम करने का विचार अपने दिमाग से निकाल देते होंगे और लास्ट में वही होता है जो उस मकड़ी के साथ हुआ, आप उस काम को कर ही नहीं पाते होंगे। क्या सिर्फ दूसरों के कह देने से हमारे फ्यूचर या फिर हमारे ज़िंदगी के रूल डिसाइड होने लगते हैं कि वो काम सही है या गलत है? एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? मेरा मानना यह है कि ज़िंदगी में आपको जो सही लगे आप वो काम जरूर करो। अगर वो गलत है या सही है वो बात ही बात है, लेकिन अगर वो सही है तो उस काम को एक बार जरूर करके ट्राई करें, क्योंकि जो सोचा है उसे कर लेने में ही होता है। क्योंकि अगर फेल हो भी गए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जीत गए फिर तो आपकी जीत पक्की है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा जो आपने सोचा है उस पर इम्प्लीमेंट और एक्शन लेने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि सिर्फ सोचने से काम नहीं होते। तरक्की पानी है, सफलता पानी है तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरत है। इसीलिए आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ ही साथ आपके लिए मज़ेदार बात है ये कि आपको आप ये भी पता है कि हम 15 जुलाई से हम अपनी फेस कैम वीडियो बनाने वाले हैं, इसीलिए आपकी काफ़ी डिमांड पे डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसे एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें जो कहीं ना कहीं दूसरों के रास्ते में आके या फिर दूसरों की बातों में आके अपने रास्ते बदल लेता है और अपने पहले वाले रास्ते को छोड़ देता है ताकि उस बात को रियलाइजेशन हो सके। और तीसरी बात, आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे अगर आपकी मर्जी है जरूर फॉलो कर लें कि वहाँ पे आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप नए तरह से मोटिवेशन पा सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।